गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूं आपके साथ मरियम अली। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमने आपको बताया था कि लगातार वहां भेड़िये का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक 4 भेड़िये पकड़े जा चुके हैं, 2-3 भेड़िये अभी भी फरार हैं, जिनको ढूंढने में पुलिस और वहाँ के कई सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर आई कि बीती रात तकरीबन 12 बजे एक 5 साल की बच्ची को भेड़िये ने अपना शिकार बना लिया। बच्ची बहुत बुरी तरह घायल हो गई है। इसके बाद वहाँ दोबारा से दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि भेड़िये ने इस बार ग्राम पंचायत पंडोहिया के धीरघरपुर में अनवर अली की 5 साल की बेटी अफसाना को निशाना बनाया। इस हमले में बच्ची घायल हो गई। बच्ची को इलाज के लिए महसी ले जाया गया। आदमखोर भेड़िया 48 दिन में 8 बच्चों और एक महिला समेत 9 लोगों को मार चुका है। उसके हमले से 45 लोग जख्मी हो चुके। वहीं बीती रात कुछ ऐसी घटना सामने आई। आदमखोर भेड़िये ने एक बच्ची को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद वहां दोबारा से दहशत फैल गई। साथ ही एक बच्चे को भी निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि बच्चा घायल नहीं हुआ, वो बचने में कामयाब रहा। सुनिए बच्चे के परिजन ने क्या बताया। खाना पानी खा के तक सो गए थे, उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी, तो आई वह झपट के चल जैसे हल्ला दंगा बचा, बस भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए हैं, इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। तो भेड़िये को ढूंढा नहीं आप लोगों ने, दौड़ाया भेड़िये को? भेड़िये को और लोग सो पुलिस वाले सब हार पात में नहर तक ऐसी रखना तक सब खेदिन है, नहीं दिखाई देना है। तो ये बच्ची दादी के साथ सो रही? हाँ, दादी के साथ में सोती रहा। दरवाजा खोल के आया? दरवाजा नहीं है साहब, दरवाजा नहीं है, दरवाजा अब तक नहीं लग पाया। अब हम साहब अपन परिवार देख रहे हैं, वो अपन हमारा भाई है, तो वो अपन परिवार तो खा कुछ करता नहीं, तो क्या कैसे थोड़ा पैसा वैसे कमाएगा तो कहाँ हो पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ईस्ट एशियाई ब्रुनेई दौरे पर रवाना होंगे। बता दें कि ये किसी भारतीय पीएम का पहला ब्रुनेई दौरा होने वाला है। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकाया के निमंत्रण पर ये दौरा करेंगे। इस 2 दिवसीय दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाना है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा था कि ब्रुनेई भारत की ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक खास साझेदारी है। वहीं भारत ब्रुनेई से हाइड्रोकार्बन आयात कर रहा है और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश भी है। वहीं पीएम मोदी के दौरे के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा भी हो सकती है। बता दें कि भारत के ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश किया है। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। वहीं इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ पर भी आपसी सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा होगी। भारत म्यांमार की स्थिति पर भी वो चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी DTC कर्मचारियों से मिले। इसी के साथ उन्होंने उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को उठाया और उनसे बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की और उसमें लिखा कि जो लोग डेली कई यात्रियों की सवारी को सुचारू बनाते हैं, उन्हें सिर्फ बदले में अन्याय मिल रहा है। आप ड्राइवर, आपका कितना बनता है? मेरी परमानेंट है, ये नहीं गवर्नमेंट चार से स्टार्ट होती है। मैं यमुनापाल से आता हूँ, पर हालांकि डिपो तो बहुत दूर पड़ता है। कैसे आते हो? मैं बस से ही ट्रेवल करता हूँ सर। जो हमारा कॉन्टेक्ट है ना सर, उसमें देखा जाए तो उत्तर भारत में मानसून अपने आखिरी चरण में है, लेकिन कई जगह उमस भी मिल रही है। अब ऐसे में कई जगह बारिश भी होती है। IMD का ये अलर्ट होता है कि 2 दिन येलो अलर्ट है, बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन देखने को सिर्फ बूंदाबांदी मिलती है। ऐसे में अब आने वाले दिनों में कितनी बारिश हो सकती है और मानसून कब तक खत्म हो जाएगा, जान लेते हैं। IMD के मुताबिक एक ओर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात जैसे राज्य भारी बारिश से बेहाल हैं, तो वहीं दिल्ली NCR में लोग उमस से परेशान हो रहे हैं। दिल्ली NCR में अभी मौसम सुहाना बना हुआ है। रुक रुक कर रिमझिम बारिश के चलते पारे में थोड़ी गिरावट तो आई, लेकिन इसके साथ ही मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया। IMD की माने तो अचानक मौसम बिगड़ सकता है और लोगों को मूसलाधार बारिश का सामना करना होगा।
वहीं IMD की वेबसाइट पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक NCR में लगातार हो रही इस बारिश की वजह से लोगों को उमस से तो निजात मिलती है, लेकिन जलभराव और अन्य वजहों से उन्हें दिक्कतें भी होती हैं। उधर बारिश के बाद सड़कों का हाल बुरा हो जाता है, लोगों को घंटों ट्रैफिक में जूझना पड़ता है। आपको बता दें कि IMD ने अनुमान लगाया है कि आने वाले एक हफ्ते तक दिल्ली NCR के लोगों को बारिश का सामना करना होगा और इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पर बना रहेगा। इससे साफ होता है कि गर्मी और उमस से काफी हद तक NCR के लोगों को निजात मिल जाएगी। उधर 5 से 6 सितंबर को अधिकतम तापमान गिरेगा, जिसके बाद ये 34 डिग्री पर पहुंच जाएगा, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री पर होगा। गौरतलब है कि तेज बारिश के चलते NCR में जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों का हाल बुरा हो गया है। दिल्ली और नोएडा में लोग लंबे लंबे जाम से जूझते दिखाई दे रहे थे। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि IMD का ये येलो अलर्ट कितना सही साबित होता है। तो ये थी आज की वो जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसकी अपडेट भी देंगे, इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।